मिठू, ओ मिठू, मिठू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त देव लेकर आया एक और ब्लॉग। आज का ब्लॉग है नैनीताल चिड़ियाघर। हम जा रहे हैं दोस्तों आज नैनीताल चिड़ियाघर। हम पहुंच चुके हैं काला ढंगी और आज जा रहे हैं दोस्तों हम नैनीताल। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काला ढंग चौराया, यहीं से ये देखिए सामने ये रोड जो जा रहा है नैनीताल को जा रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ से अभी मेरा दोस्त कुछ कुरकुरे और पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेने गया। इसके बाद हम यहाँ से सफ़र जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों आज चलते हैं हम नैनीताल। लीजिए दोस्तों चलते हुए हम पहुँच चुके हैं रास्ते में और आपके पीछे जो हम व्यू दिखाने वाले हैं ये है हमारा मैदान, जहाँ से हम नीचे पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे हैं दोस्तों। और वहीं का व्यू है, हमें खड़े हुए हैं एक किले पर। और ये देखिए नीचे आप सामने देख रहे हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन छोटी है नहीं, गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं फ्रेंड्स। और ये सोनू मेरे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं आज क्योंकि नीचे मैदान में थोड़ा घना कोहरा लगा हुआ है, इसी वजह से धुंधला धुंधला दिख रहा, नहीं तो आप देखेंगे यहाँ का व्यू इतना मस्त और फन। से अब नैनीताल बचा है 20 किलोमीटर दूर और दोस्तों हम यहाँ पे फोटो खींचने के लिए रुके हुए हैं। और ये लोकेशन देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लोकेशन है एकदम। और ये देखिए टूरिस्ट नैनीताल की ओर जाते हुए, ये सामने आप मैंने आपको बता देता हूँ ये नैनीतालपुर है। और आपके मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये खाली खाई है और सोनू भी अपनी ब्लॉगिंग में लगा हुआ है, मैं भी। और ये देखिए व्यू देखिए, रोड देखिए कितना फंटास एकदम टेढ़ा मेढ़ा रोड, और ज़बरदस्त होने वाला है ब्लॉग ये हमारा। और दोस्तों इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस ब्लॉग में आपको फाड़ू मजा आएगा, बिल्कुल एकदम मजा। ये दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल में एंट्री कर चुके हैं और हम इस समय खड़े हैं यहाँ पे। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये है यहाँ की टैक्सी स्टैंड, लोकल टैक्सी स्टैंड। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ आके हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवाया क्योंकि हमारी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला था दोस्तों। उसके बाद हमने थोड़ा फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद अब हम इस समय पहुँच चुके हैं टैक्सी स्टैंड, आप देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब निकल रहे हैं टैक्सी स्टैंड से चिड़ियाघर के लिए। नैनीताल चिड़ियाघर जाएंगे और हम सबसे पहले चिड़ियाघर घूमेंगे। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं यह है उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो नैनीताल में स्थित है दोस्तों। यहीं से उत्तराखंड की आ गए हैं चिड़ियाघर के गेट पर और अपनी बाइक हमने यहाँ पे स्कूटी पार्क कर दी है दोस्तों। और सामने आप जो देख रहे हैं देखिए ये है नैनीताल, नैनीताल। और यहाँ पे पार्किंग करने के बाद दोस्तों ये सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा फ्रेंड देखिए कितना प्यारा सुंदर व्यू है। और बैक कैमरे से आपको ये देखिए फ्रेंड्स ये है नैनीताल, यहाँ का नैनीताल। फाइनली फ्रेंड हम पहुँच चुके हैं नैनीताल जू चिड़ियाघर। और सामने देखिए दोस्तों यहीं पे है चिड़ियाघर, मैं आपको बैक लोकेशन से दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये है यहाँ का एंट्री गेट फ्रेंड्स, चारों तरफ सुंदरता। और यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों अंदर और चलिए पहले लेते हैं टिकट, उसके बाद हम चलेंगे इसके अंदर और देखते हैं कौन कौन से जानवर आज हमको देखने मिलने वाले हैं। हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए और सामने है आप जो देख रहे हैं टिकट काउंटर, और चलते हैं दोस्तों लेते हैं टिकट। फाइनली टिकट यहाँ, फाइनली दोस्तों हमने ली है टिकट और टिकट है यहाँ पे 100 रुपये पर बंदे। और हम टिकट लेकर बंदा जा रहे हैं और 4:30 बजे की लास्ट टिकट है, 4:30 बजे के बाद अंदर यहाँ कोई नहीं जाता और 5 बजे जू बंद हो जाता है। फाइनल दोस्तों हम जा रहे हैं अब जानवरों की तरफ। और जैसे भैया बोल रहे थे कि जैसे जैसे एरो बने हुए हैं वैसे वैसे हमें फॉलो करना है और हमें जानवर देखने, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ जानवर देखने के लिए। फाइनली कुछ लोग पहले से ही कुछ लोग जगह जगह से आ रखे हैं जानवर देखने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नैनीताल का व्यू। आप चलिए चलिए चलिए, और देखिए छोटा सा बेबी भी आ रखा है जू देखने के लिए। और भैया कहाँ से आ रखे हैं भैया आप? बरेली से। और देखिए नैनीताल जू घूमने के लिए और नैनीताल की वादियों में घूमने के लिए नैनीताल से आ रखे हैं भैया और बरेली से, सॉरी। चलो चलो चलो। और फाइनली दोस्तों कितना प्यारा सिल्वर, और इसका क्या नाम है मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ। ये क्या है?
ये देखिए कितना प्यारा पक्षी है दोस्तों, ये कितना प्यारा हिरन है, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है मासूम सा, ये देखिए फ्रेंड्स छोटा सा प्यारा सा हिरन, बहुत ही प्यारा सुंदर, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ मिलेंगे हमको मोर देखने के लिए। और ये सामने देखिए सफेद कलर का मोर, मोर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा फ्रेंड्स। ये देखिए भालू घूमता हुआ, ब्लैक भालू, और ये देखिए दोस्तों आपको दिखा फ्रेंड्स कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है एकदम देखने में भालू। फ्रेंड्स हम आपको दिखाने वाले टाइगर, ये देखिए दोस्तों टाइगर, तो जो सामने देख रहे हो मारकोड है, और देखिए जी जी दोस्तों फाइनली हम अब जू में घूम लिए हैं, टाइगर वगैरह देखा, पैरट हैं और भालू है और अन्य बहुत सारे जानवर आपको देखने मिले, हमने भी देखे बहुत प्यारे प्यारे। और अब फाइनली हम नीचे को जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम और ज़्यादा यहाँ पे घूमें, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों अब पहुँचते हैं झील के पास, कुछ देखते हैं वहाँ पे और फिर चलेंगे सीधा घर। जी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नैनीताल के नैनी झील के पास में, नैनी झील जहाँ नैनीताल में बोटिंग स्पॉट है, और चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं वहीं पे जहाँ बोटिंग स्पॉट के पास में, और चलते हैं देखते हैं, मन करता है तो बोटिंग करेंगे, नहीं तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए हम घर को निकल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नैनी झील के पास मार्केट में काफ़ी भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स ये हम जा रहे हैं अब नैनी झील स्पॉट। फ्रेंड्स यहाँ जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं यह उत्तराखंड की वेशभूषा, यहाँ पे लोग बार और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे कुछ लेडीज हैं अपने उत्तराखंड की वेशभूषा को पहनकर कुछ फोटो वोटो खिंचवाती हैं और बोटिंग करती हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं इस समय बोटिंग स्पॉट, और ये सामने आप जो देखते हैं नैनी झील, और नैनी झील में जो है लोग बार बोटिंग करते हुए, यही है दोस्तों यहाँ का बोटिंग स्पॉट, यहाँ से ही लोग बार बोटिंग स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर करीब तो एक डेढ़ किलोमीटर का राउंड होता है, घुमा के वापस यहीं पे आएंगे सारे के सारे। काफ़ी भीड़ है क्योंकि दूर दूर से टूरिस्ट है, आज सेकेंड सैटरडे है, कल को संडे, इस चक्कर में लोग बार यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आ रखे हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं अब नैनीताल की भोटिया मार्केट, और यहाँ पे देखेंगे कुछ लेने के सामान है या नहीं, जैसे कि जर्सी वगैरह जैकेट हैं ठंड के मामले में, कुछ और सामान हम देखने वाले हैं क्योंकि हमने काफ़ी नाम सुना है यहाँ का भोटिया मार्केट का, कपड़े के लिए काफ़ी फेमस है। चलिए दोस्तों और यहाँ आप सामने देख सकते हैं यहाँ से है एंटी भोटिया मार्केट की, भोटिया मार्केट तो हमने फाइनली मटन मोमो खा लिए हैं और भोटिया मार्केट से भी निकल चुके हैं, अब फाइनली दोस्तों हम जा रहे हैं अपने घर के लिए निकलने वाले हैं अब स्कूटी के पास पहुंच के। ये लीजिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने सीधे घर। नैनीताल चिड़ियाघर देख के आ चुके हैं और रात के बज गए 9, खाना पीना हमारा हो गया है और हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। चलिए ठीक है, बाय बाय, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, बापा। आदि मानव लोगों ने आग जलाना कैसे सीखा, क्योंकि इसके जो हाथ में है वो हैं दो पत्थर, इसी से रगड़ने के बाद उन्हें आग जलाना सीखा। और